नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज़ में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में जिनका आईपीएल में बोली लगी है। क्रिकेट के महाकुंभ कहे जाने वाले आईपीएल 15 की नीलामी प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अब बारी है छक्कों और चौके की। ऐसे में इस बार के आईपीएल ऑक्शन में बिहार के खिलाड़ियों का जलवा रहा। नीलामी के दूसरे दिन यानी कि शनिवार की शाम को करीब 7 बजे बिहार के वैशाली जिले के लिए खुशखबरी सामने आई। बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले ऑलराउंडर अनुनय नारायण सिंह को अपने बेस प्राइस यानी कि 20 लाख रुपए में खरीदा गया है। बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले ईशान किशन पर इस बार सबसे ज़्यादा बोली लगाई गई और उनका जो प्राइस था 15 करोड़ 25 लाख रुपये पर उनकी बोली लगी है। आईपीएल के अब तक के आईपीएल के इतिहास में ईशान किशन चौथे सबसे महंगे खिलाड़ी चुने गए हैं। नीलामी के दूसरे दिन शहबाज नदीम को 50 लाख रुपए की बोली लगाकर लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने खरीद लिया, तो वहीं समस्तीपुर के रहने वाले हरफन मौला खिलाड़ी अनुकूल राय कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 लाख के बेस प्राइस पर अपनी टीम का सदस्य बनाया है। आपको बता दें कि आईपीएल 15 के मेगा ऑक्शन में बिहार के 6 खिलाड़ियों का नाम था, जिसमें से 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ, लेकिन इस ऑक्शन की लिस्ट में सबसे पहले बोली वैशाली के अनुनय नारायण सिंह की लगी। बता दें कि अनुनय का चयन नीलामी प्रक्रिया में रणजी और विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान किए गए प्रदर्शन के आधार पर किया गया था। आपको बता दें कि अनुनय वैशाली जिले के सहदेई के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में वे दिल्ली में हैं। अनुनय को राजस्थान रॉयल्स टीम ने खरीदा है। अनुनय के चयन के बाद वैशाली के क्रिकेट संघ प्रेमियों में और खेल प्रेमियों में जो है खुशी की लहर है। अनुनय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्थान रॉयल टीम का हिस्सा बनकर काफ़ी खुश हूँ। यहाँ मुझे क्रिकेट की दुनिया के कई बड़े सितारों के साथ खेलने और अपने प्रदर्शन के बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि क्रिकेटर बनने का उनका अपना तो मैंने बचपन से ही पाल रखा था। खेल के दौरान मैं कई बार चोटिल हुआ, लेकिन कभी ग्राउंड नहीं छोड़ा। अब मेरी कोशिश है कि अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान खींचूं और टीम इंडिया में अपनी जगह को पक्का कर सकूं। उन्होंने यह भी बताया कि पिता आदित्य सिंह गोरखपुर में पुलिस विभाग में सेवा दे रहे हैं। वे अपने ज़माने में फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। पिता से ही प्रभावित होकर अरुणय ने क्रिकेटर बनने का निर्णय लिया, लेकिन बिहार में क्रिकेट की हालत बहुत ही ख़राब होने की वजह से अरुणय बचपन से ही दिल्ली चले गए। बाद में अरुणय अपनी पढ़ाई भी वहीं से दिल्ली से ही करते रहे और वो विकासपुरी क्रिकेट सेंटर में प्रैक्टिस किया करते थे। फिर बिहार में उनका साल 2017 में वापसी हुआ। बिहार आने के बाद उन्होंने मनोज सिंह के मार्गदर्शन में खेलना शुरू किया। इसके बाद अरुणय वैशाली के लिए खेले, जहां उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा, बिहार के लिए चयनित किया गया। इसके बाद उन्होंने बिहार के लिए 9 विजय हजारे ट्रॉफी, 1 रणजी, 1 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी यानी कि कुल मिलाकर 11 मैच बिहार के लिए खेल चुके हैं। बता दें कि विजय हजारे मैच के दौरान मुंबई के खिलाफ खेलते हुए अरुणय ने रोहित शर्मा के खिलाफ गेंदबाजी भी कर चुके हैं। तो अनुनय नारायण सिंह बिहार के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और बिहार की तरफ से कई मैचों में उनका शानदार प्रदर्शन रहा है। जैसा कि हमने पहले ही बताया, 9 विजय हजारे ट्रॉफी, 1 रणजी और 1 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अनुनय नारायण सिंह खेल चुके हैं। यह देश के नामचीन खिलाड़ियों के साथ भी इनका प्रदर्शन होता रहा है। ऐसे में अब उम्मीद है कि बिहार का यह हलाल क्रिकेट जगत में अपना एक अलग पहचान छोड़े, अपनी एक अमिट छाप छोड़े। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।